भ्रष्टाचारी से और जो यहाँ पर लूटपाट किए हैं, घोटालाबाजी किए हैं, आगे का विकास का काम नहीं किए और पैसा हड़प कर खा लिए हैं, उस लोगों से सावधान हो जाए, क्योंकि जनता पहले देख चुकी है कि लोग नेता बनकर कुछ नहीं किए हैं और उन पर केस भी चल रहा है, इसलिए। निकली हैं दौरे पे, अब कुछ ही समय बाकी रह गया है चुनाव प्रचार में खत्म होने में और चुनाव शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे आज किस किस इलाके में गई, कैसे लोगों का समर्थन मिला? आज तो हम लोग सुबह में जूत पट्टी चाप और टेंगड़ा गांव में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में इस तरफ घूम रहे हैं लोग, और लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, बोल रहे हैं लोग कि हम जीवन बाबू के साथ है, एमपी गुप्ता को वोट करेंगे हम लोग। क्षेत्र में विकास तो हर क्षेत्र में नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ बाकी ही रह गया है, जैसे तो चारों तरफ नहीं है वैसा यहाँ पर भी विकास करवाया जाएगा, इस क्षेत्र का भी वर्णन जब हम इसमें आए हैं, हमारा परिषद है, नगर परिषद है, तो हमको इसको जरूर पूरा करेंगे, जो यहाँ पर कमी है उसको तो हम जरूर पूरा करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, जब भी हो सकेगा, मेरा जब फर्ज है यहाँ का सेवा करना है, पब्लिक मुझे डिमांड कर रही है, मांग रही है, तो हम जरूर इसको पूरा करेंगे। और लोग भी चुनावी मैदान में है, तरह तरह के वादे कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? वादे से कुछ नहीं होगा, सब अफवाह लोग फैला रहे हैं, जिसने जीतने के लिए इनके खिलाफ है लोग, लेकिन सारी जनता है सिवान की, जितनी भी जनता है सभी लोग इन्हीं के साथ है, मैंने संपी गुप्ता चुन रही है, क्योंकि जनता पहले देख चुकी है कि लोग नेता बनकर कुछ नहीं किए हैं और उन पर केस भी चल रहा है, इसलिए देंगे कि लोग उनसे सावधान हो जाए, अब समझ ले कि हाँ कैसा नेता हमको चुनना चाहिए कि आगे इस सिवान का नाम रोशन हो। किसे भ्रष्टाचारी से सावधान हो जाए? वही भ्रष्टाचारी से और जो यहाँ पर लूटपाट किए हैं, घोटालाबाजी किए हैं, आगे का विकास का काम नहीं किए और पैसा हड़प कर खा लिए है, उस लोगों से सावधान हो जाए। अभी चलने वाला नहीं है? नहीं, अब कहे चलेगा, इतना दिन तो बेवकूफे है, बेवकूफे रहेगी तब आगे कैसे विकास होगा इसका। ठीक है, दो टुक क्या अपील करेंगे जनता से? सारी जनता से तो हमारा यही आग्रह, यही निवेदन अनुरोध है कि आप लोग 28 दिसंबर के मतदान है मेरा। कौन सा? मेरा छाप है और क्रमांक संख्या है 14, वही उसी पर आकर आप सारी मतदाताओं, भाई बंधु, जितने भी माता बहन और सभी से यही मेरा अनुरोध है कि आप लोग आकर उस दिन भारी मतों से हमको, बहुमत से, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाए। जिंदाबाद।